अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं ही नहीं आमिर खान को मिस्टर परफेक्टनेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपनी फिल्मों को 100% परफेक्ट बनाने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तभी तो पिछले एक दशक से लगातार उनकी फिल्मों की खुमारी चारों तरफ देखने व सुनने को मिलती ही रहती है। देश विदेश में उनकी फिल्मों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और यही बड़ी वजह है कि मौजूदा दौर में आमिर खान का रुतबा ही कुछ और है। लेकिन कहते हैं ना, जितना बड़ा सुपरस्टार उसकी उतनी ही बड़ी कहानी, और इसी कड़ी में हम आपको आमिर खान और बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जो शायद आज तक आप नहीं जानते होंगे। आज हम उस अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिस अभिनेत्री ने महज 18 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था और 19 साल की छोटी उम्र में उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री दिव्या भारती की, और यही वह अभिनेत्री थी जिसके चलते आमिर खान उससे इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उसके साथ काम करना ही बंद कर देते हैं। और ये बात जब दिव्या भारती को पता लगती है तो बाथरूम में बैठकर घंटों रोती भी है। दिव्या भारती की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिव्या भारती की खूबसूरती की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी, जो छाप आज भी बरकरार है। महज 18 साल की उम्र में वो इंडस्ट्री से जुड़ गई थी और दिव्या भारती लाखों दिलों की धड़कन भी बन गई थी। उनकी खूबसूरती और जबरदस्त एक्टिंग ने ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया था और महज एक साल के भीतर ही उन्होंने कई सारी ऐसी बड़ी फिल्मों में काम किया जिन फिल्मों को करने के बाद वो रातों रात स्टार बन गई। लेकिन 19 साल की छोटी उम्र में दिव्या भारती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि 19 साल की उम्र में ही उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। दिव्या भारती की अगर आखिरी फिल्म की बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसे साल 1993 में उनकी मौत के बाद रिलीज किया गया था। हालांकि दिव्या भारती का नाम एक बार आमिर खान से भी जोड़ा गया और आमिर खान को लेकर उनका एक किस्सा काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। दरअसल हुआ यूं कि दिव्या भारती की गलती की वजह से बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने दिव्या के साथ काम करने से मना कर दिया। उस दौरान लंदन में कुछ उभरते सितारे जैसे कि आमिर खान, सलमान खान, जूही चावला, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और दिव्या भारती को परफॉर्म करना था और दिव्या भारती के परफॉर्मेंस आमिर खान के साथ होनी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान दिव्या भारती से एक गलती हो जाती है जिस पर आमिर खान बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। बताया जाता है कि इसके बाद आमिर खान ने शो के ऑर्गेनाइजर्स को दिव्या की जगह जूही चावला को लेने के लिए कहा और दिव्या के साथ परफॉर्म करने से उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। मामला बढ़ता देख सलमान खान को बीच में आना पड़ा और उन्होंने इस मामले को संभालने की कोशिश की। बताया जाता है कि सलमान खान जब दिव्या के सपोर्ट में आए तो उन्होंने स्टेज पर उनके साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस बात से दिव्या भारती बहुत ज्यादा हर्ट हुई और शो पर परफॉर्म करने के बाद बाथरूम में बैठकर घंटों तक रोती रही। आमिर और दिव्या का एक किस्सा उस वक्त बॉलीवुड के गलियारों में काफी सुर्खियों में रहा था और इस वाक्य ने दिव्या भारती को अंदर से झकझोर के रख दिया था। लेकिन दिव्या भारती की खूबसूरती और उनकी लाजवाब एक्टिंग के चलते उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और यही बड़ी वजह थी कि उन्होंने बहुत ही कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि यश चोपड़ा ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म डर के लिए सबसे पहले दिव्या भारती और आमिर खान को साइन किया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि आमिर ने यश चोपड़ा से कहकर दिव्या भारती को निकलवाकर जूही चावला को साइन करवा लिया था। बाद में वो खुद भी फिल्म से बाहर निकल गए। इसके बाद यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए शाहरुख खान को साइन किया और बाद में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डर फिल्म कितनी ब्लॉकबस्टर साबित रही। अब इस बात से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आमिर खान को शुरू से ही दिव्या भारती से कोई ना कोई परेशानी थी। सबसे पहले दिव्या भारती की एक छोटी सी गलती के चलते उनके साथ स्टेज शो पर परफॉर्म करने से ही उन्होंने मना कर दिया और बाद में जब दिव्या भारती के साथ उनकी एक बड़ी फिल्म आने वाली थी तो उन्होंने दिव्या भारती को इस फिल्म से निकलवा कर जूही चावला को कास्ट करवाया और बाद में वो खुद इस फिल्म से अलग हो गए। खैर, दिव्या भारती आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से व कहानी आज भी काफी ज्यादा वायरल होते हैं। उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों भरी रही है। यहां हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दिव्या भारती ने बॉलीवुड के जाने माने माता निर्देशक साजिद नडियाडवाला से शादी कर ली थी, लेकिन शादी को उन्होंने कभी भी उजागर नहीं किया। दोनों ने चुपके से 10 मई 1992 को शादी कर ली थी। दिव्या की मौत के बाद साजिद ने पत्रकार वर्धा से शादी कर ली और दिव्या भारती की मौत भी काफी रहस्यमय तरीके से हुई थी।